था ये मीटर हमको नहीं चाहिए, हम कहाँ से गरीब आदमी पैसा देंगे रन मसो मास, हम ये मीटर नहीं चाहिए, हमको जो पहले था वही चाहिए। कभी कभी ऐसा मन करता है कि मीटर को ईटा लेकर के हम फोड़ दें। 10 दिन में 15 दिन में पैसा भराते हैं खत्म हो जाता, मैसेज भेज देता है। अच्छा। कि अगर नहीं भेजेगा अंधेरा हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में भारत का आम आदमी लगातार महंगाई की मार झेल रहा है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार जो खुदरा महंगाई दर मई 2021 में 6.3% थी, वो जून 2022 में बढ़कर 7.01% तक पहुंच गई है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यही हालत है भारतीय मिडिल क्लास और गरीब तबके की। इस बढ़ती महंगाई के बीच सीमांचल के कटिहार में लगाए गए बिजली के प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर आग में घी का काम कर रही हैं। जब से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, तब से लोगों को बिजली इस्तेमाल करना काफी महंगा साबित हो रहा है। इस कारण लोग इस भीषण गर्मी में एक पंखा चलाना तो दूर, एक बल्ब जलाने से भी डर रहे हैं। दरअसल कटिहार के शहरी इलाके में साल 2022 की शुरुआत में ही बिजली विभाग द्वारा पुराने मीटर को हटाकर नए प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाने का काम शुरू किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य बताया गया था कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग जाने के बाद बिजली बिल में गड़बड़ी, बिजली बिल का बकाया और बिजली बिल सुधार की समस्या से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मियों को छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं को भी काफी सहूलियत होगी, उन्हें बार बार विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उपभोक्ता जितने का रिचार्ज करेंगे उतनी ही बिजली उनको खर्च करने के लिए मिलेगी और रिचार्ज खत्म होने के बाद बिजली खुद ही कट जाएगी, जिसके बाद रिचार्ज करने पर ही उपभोक्ता फिर से बिजली का उपयोग कर सकेंगे। लेकिन माला रसूलपुर इमलीगंज के एक दर्जी कारीगर मोहम्मद बकरुद्दीन का कहना है कि इस स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उन्हें कोई सहूलियत नहीं हुई है, बल्कि उनको और ज्यादा बिजली का बिल देना पड़ रहा है, इसलिए उनको ये मीटर नहीं चाहिए। लाइन में बहुत हमको ज्यादा परेशानी है, काहे हम दर्जी कारीगर हैं और हमको ये मीटर नहीं चाहिए। लगाने वाला तो पढ़ा करके लगा दिया और हम सोचे गरीब का सहूलियत के लिए आता होगा, लेकिन कोई सहूलियत नहीं है। 500 टका का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल में 10 दिन में बोलता है आप अपना रिचार्ज कराइए, आपका बिजली जाने वाली है, इसलिए हमको डर से रिचार्ज कराना पड़ता है। ऐसे 500 करके रिचार्ज कराए हैं, 1500 रुपया अगर महीना में जाइए, कोई रड कंपनी का तो मालूम मालिक नहीं है, कहे दर्जी कारीगर है, इसलिए हमको वही मीटर चाहिए जो मेरा पहले था। समझे भैया? पहले कितना बिल आता? पहले मेरा आता था 199,207, इसी तरह मेरा बिजली बिल आता था। तो कितना रुपया लग रहा है अभी? मेरा 1500 रुपया महीना में चले जाता है, 1500-1300 हर महीना में चले जाता है। वहीं स्थानीय महिला रबिया का कहना है कि केवल रात में एक पंखा चलाने और 3 बल्ब जलाने के बावजूद उनके मीटर का रिचार्ज 10 दिन में ही खत्म हो जाता है। 300 का 500 कैसे करवाते, 200 दिन में होता खत्म हो जाता है। ये मीटर हमको नहीं चाहिए, हम ऐसे रहेंगे नरिया मुँह बढ़िया है। क्या क्या जलाते हैं? क्या 3 ठो खाली बल्ब जलाते, कुछ नहीं, न टीवी है न कुछ नहीं है, बल्ब जलाते हैं, 1 ठो पंखा है, गर्मी में रात में चलाते हैं, दिन में नहीं चलाते हैं। तो क्या रिचार्ज देखते हैं कितना का रिचार्ज हुआ नहीं हुआ जब कराते हैं जिस समय? तो कराते हैं, बोलता है कि रिचार्ज खत्म हो गया, कराइए रिचार्ज। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख आदमी है, जाते हैं रिचार्ज करा कहते हैं, फिर 200 दिन होता है, फिर वही रिचार्ज का खबर आता है मोबाइल में, नहीं तो लेन काट देता है। स्थानीय पप्पू आलम गुस्से में कहते हैं कि ऐसा ही चलता रहा तो वे एक दिन इस मीटर को ईंट से फोड़ देंगे। उनका कहना है कि कमाई कम है और सरकार ने खर्चा ज्यादा बढ़ा दिया है। कभी कभी ऐसा मन करता है कि मीटर को ईंटा लेकर के हम फोड़ दें। हाँ, ये चलने वाला नहीं, हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ से हम लोग पूरा करेंगे? घर से हम एक पंखा चलाते हैं, गर्म में मरते हैं बच्चा लेकर के, कहाँ से क्या करेंगे? कमाई कम है, खर्च ज्यादा बढ़ा दिया है सरकार, ये सब चलने वाला नहीं है। ना तो मेरा पहले जो मीटर था वही लाके लगा देने, तो हम ईटा लेके फोड़ देंगे मीटर। वृद्ध महिला बसरुन्निसा अपनी कांपती हुई आवाज में बताती हैं कि उनको धूप में रिचार्ज करवाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, साथ ही उनके 500 रुपए का रिचार्ज मात्र 13 दिन में ही खत्म हो जाता है। रिचार्ज खत्म होने के बाद वे कई बार हाथ वाले पंखे से काम चलाती हैं। धूप में जाते हैं चार्ज कराने के, तब पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे, छोटा बच्चा घर में है, गर्मी परेशान। क्या मजदूरी करते हैं आप लोग? रंग पेंटर। और हम लोग का क्या बिजनेस है, रंग पेंटर करता है साथ परिवार। कभी कभी नहीं भरा पाते होंगे, रिचार्ज नहीं करा पाते। हाथ वाला पंखा, छोटा बच्चा
पहर मिल सकता है गर्मी से, क्या करेंगे बेटा। क्या क्या चलाते हैं घर में? खाली एक ठो पंखा, एक ठो बॉल, देखिए इसी में 500 रुपया भरना। 500। वहीं ताजो खातून बताती हैं कि वे डर डर कर रहते हैं, दिन में लाइट नहीं जलाती हैं और अंधेरे में ही काम करती हैं। डर डर कर रहते हैं, कौन सी करेंगे सब? अभी तो दिन में नहीं जलाते, दिन में नहीं जलाते हैं, अंधेरा में काम करता है। तो इतना गर्मी है, कैसे रहते सब? गर्मी है बहुत है, कैसे रहेंगे गर्मी में? अच्छा, इससे पहले जो मीटर था वो अच्छा था कि अभी वाला? नहीं, पहले अच्छा था, अभी तो अच्छा नहीं है। अभी तो खुद मरते हैं गर्म में, देखिए डरिया में बैठे रहते हैं बाल बच्चा के लिए। इस पूरे मामले को लेकर जब कटिहार के असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अविनाश कुमार रंजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर और पहले के नॉर्मल मीटर में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि उसमें बिजली खर्च करने के बाद पैसा देना होता था और इस स्मार्ट मीटर में बिजली खर्च करने से पहले ही पैसा भरना होता है। दोनों का यूनिट रेट बिल्कुल बराबर है, इसलिए इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परेशानी सिर्फ उन लोगों को हो रही है जिनके पहले मीटर खराब थे और वे महीने का फिक्स पैसा दे रहे थे, अब उनको बिजली खर्च के हिसाब से पैसा देना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर और जो पहले लगा हुआ था नॉर्मल मीटर, डिजिटल मीटर, दोनों में कोई सिमिलैरिटी, मतलब कोई भी अंतर नहीं है। नॉर्मल मीटर जो था आपको बाद में पेमेंट करना पड़ता था बिल बनने के बाद, और जो स्मार्ट मीटर लगा है उसको आपको पहले प्रीपेड मीटर जिसको कहते हैं आप पहले रिचार्ज कीजिए इसके बाद यूज कीजिए, और दोनों का यूनिट का जो रेट है वो दोनों का सेम है, चाहे वो नॉर्मल मीटर हो या स्मार्ट मीटर हो। हाँ, जिसका मीटर एक्चुअल रीडिंग पे, जो पहले जो नॉर्मल मीटर था जिसका एक्चुअल मीटर रीडिंग पे जिसका बिल बन रहा था, उनका कोई शिकायत नहीं होगा। शिकायत उनका होगा जिनका मीटर खराब हो गया होगा, जिनका फिक्स बिल आ रहा था एमडी जो एवरेज पे जो फिक्स बिल है हो गया कि मेरा 300-400 रुपये महीने का फिक्स हो गया, उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका बिल ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि अब तो एक्चुअल कंजम्पशन में बिलिंग हो रहा है। और एक चीज़ और है इसमें, जैसे आपका जो पहले रीडिंग करने जाता था तो उसमें एक आप रीडिंग डालते हैं और दूसरा कॉलम होता है आपका एमडी का मैक्सिमम डिमांड, जिसमें मैक्सिमम डिमांड रीडर लोग नहीं डालता था, जिसमें ये है कि अगर आप 1 किलोवाट का लोड लिए हुए हैं, अगर 1 किलोवाट से आप ज़्यादा यूज कीजिएगा तो उसमें फ़ाइन होता है। तो बहुत सारे लोग जैसे टाउन में है, मैक्सिमम लोगों का 1 किलोवाट से ऊपर का कंजम्पशन है, क्योंकि आप एक एचपी मोटर लीजिएगा तो 700-750 वाट का ऐसे ही हो जाएगा, तो आपका 1 किलोवाट से ज़्यादा हो जाता है। तो जिसका भी 1 किलोवाट से ज़्यादा जाएगा स्मार्ट मीटर में वो फाइन मार देता है, फाइन करता है। तो वही चीज़ है कि आपका लोड अगर बढ़ा हुआ है तो आप उसको लोड यहाँ पे आकर बढ़वा लीजिए, जिससे आपका फाइन नहीं लगेगा, बाकी कोई अंतर नहीं। और इसमें बहुत फायदे हैं, इन द सेंस की फायदा ये है कि आपका बिल जो रीडर गड़बड़ कर देता था, 1-2 लाख आप जो सुनते थे, 1-2 लाख करोड़ का जो बिल बन जाता है रीडर की गलती की वजह से, वो नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आपका घर बंद है, आप कहीं गए हुए 3-4 महीने के लिए, तो जो एवरेज बिल बनाते थे वो एवरेज बिल नहीं बनेगा। इन द सेंस अगर लाइन आपका रिचार्ज रहा, लाइन कट गया, अगर आप 4 महीने बाद घर आए वापस आप रिचार्ज कीजिए, फिर आपका लाइन यूज हो जाएगा, चलने लगेगा। आपका कोई ऐसा नहीं कि कोई एलके पे बिल दूर लो या एवरेज बिल बन रहा है जिसको आप सुधार करने के लिए ऑफिस आ रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं है। आप स्मार्ट मीटर में ये है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट करते तो 3% का रिबेट मिलता है, जबकि नॉर्मल मीटर में आपको 2.5% का रिबेट मिलता है। और एक चीज़ और मैं जानकारी देना चाहूँगा, कुछ मैसेज आते हैं जिसमें लिखा रहता है कि आपका लाइन 9:30 बजे कट जाएगा, 9:30 बजे रात्रि में कट जाएगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तो ये फ्रॉड मैसेज होते हैं। आप इस नंबर पे कॉल ना करें और ना ही कोई इंटरटेन करें उस नंबर पे, क्योंकि वो फ्रॉड मैसेज है। वो क्या करता है, आपको कोई ऐप डाउनलोड करवाता है, कहेगा 10 रुपये का रिचार्ज अपने आपके अकाउंट नंबर से 10 रुपये का रिचार्ज कराएगा, 10 रुपये का कुछ पेमेंट करवाएगा, इसके बाद सारा वो विड्रॉ कर लेता है आपके अकाउंट से। तो ऐसा मैसेज कोई विभाग नहीं भेजता, ये फ्रॉड है। बिहार पुलिस का भी निकला हुआ है कि ऐसे मैसेज से बचे, तो ऐसे मैसेज को इंटरटेन ना करें।